हेलो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे का टॉपिक दैट इज़ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स देखो टॉपिक जो है वो थोड़ा अच्छे से आपको समझना है तो ये समझना है इसमें कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइन एज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स मतलब कि दो प्लेन होंगे उसका स, दोनों का एक एक नॉर्मल भी होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा उनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ डिफाइन एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स सी ये यहाँ पे आपको दो प्लेन दिखाए गए हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ पहले तो ये समझ लो कि ये जो है वो प्लेन वन है और ये जो है वो प्लेन टू है ठीक है अभी प्लेन वन जो है ये इसका नॉर्मल ये डायरेक्शन में होना चाहिए ये डायरेक्शन में तो देखो ये रहा दिस इज़ माई एन ठीक है ओके फाइन सिमिलरली ये प्लेन जो है प्लेन टू उसका नॉर्मल तो ऊपर होना चाहिए ऐसे तो ये रहा एन टू विच इज़ परपेंडिकुलर राइट और ये यहाँ परपेंडिकुलर है अब ये दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम डिफाइन करेंगे द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तो ये रहा थीटा एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है आपको ये ये भी बता दूँ कि दो प्लेन के बीच में जैसे दो लाइन के बीच में एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑप्टिज़ एंगल होता है वैसे सेम यहाँ पर भी वैसा ही होगा बट कंसिडर करो कि जो छोटा एंगल होगा हमने यहाँ पर उन्होंने बोला कि वी शेल टेक द एक्यूट एंगल एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स राइट तो देखो कुछ फिगर हमारे पास ऐसी बन रही है आ, <coughs> ये ऐसा कुछ बन रहा है तो ये एंगल जो है वो थीटा बनेगा राइट right? इन्होंने यहाँ पे लिखा है नाइन्टी माइनस नाइन्टी माइनस थीटा वो कैसे आया वो समझा देता हूँ मैं ये टोटल एंगल अगर देखें हम ये राइट एंगल है टोटल तो वो नाइन्टी हुआ फिर अगर इसको मैं थीटा बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा नाइन्टी माइनस थीटा तो अगर ये नाइन्टी में से नाइन्टी माइनस थीटा हटा दूँ मैं तो नाइन्टी नाइन्टी प्लस थीटा हो जाएगा ये हटाने पर तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा मतलब कि वो एंगल थीटा हो जाएगा यहाँ पे साइड में भी दिखाया हुआ है दूसरा कि दो प्लेन के बीच में एक एंगल थीटा होगा एक एक वन एटी माइनस थीटा होगा तो आपको उसमें से कंसिडर करना है थीटा ओनली राइट right? तो वो दो नॉर्मल के बीच में जो एंगल है ना वही उसका एंगल हो जाएगा तो वो तो फिर सिंपल हो गया कि एन वन जो है वो एन वन एंड एन टू आर द नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन द सॉरी थीटा बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तो ऐसे प्लेन होगा आर वैक्टर डॉट एन वन वैक्टर इज इक्वल टू डी वन आर वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर इज इक्वल टू डी टू तो थीटा अगर उन दोनों के बीच में एंगल है तो उनका जो कॉस्ट थीटा का फॉर्मूला है वो ऐसा है मोड़ में एन वन डॉट एन टू अपॉन एन वन मोड़ एन वन एन टू ये जो दो लाइन के बीच में होता है ना वही उसी टाइप से है ना वहाँ पे बी वन बी टू आता था इफ़ यू रिमेंबर द प्लेन आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो एन वन डॉट एन टू जीरो होना चाहिए एंड पैरेलल है एन वन इज पैरेलल टू एन टू मतलब क्या कि दो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसका मतलब कि एन वन डॉट एन टू क्या होगा जीरो ठीक है और अगर दो प्लेन पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ कि एन वन एन एन टू एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर मैं आपको सिंपली समझा दूँ तो ये प्लेन वन है ये प्लेन टू है तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा इसका नॉर्मल ऐसे होगा बराबर तो नॉर्मल की बात जो है वो उससे उल्टी आएगी और दो प्लेन अगर ये प्लेन ऐसे आ रहा है समझो आप ऐसे पैरेलल तो इनके जो नॉर्मल है वो पैरेलल हो जाएंगे सॉरी हाँ एक दूसरे के प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर इफ एन वन डॉट एन टू इज इक्वल टू जीरो एंड प्लेन्स आर पैरेलल इफ़ एन वन एंड एन टू आर पैरेलल सिंपली है ये तो पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे एन वन इज़ पैरेलल टू एन टू और यहाँ पे एन वन इज़ पैरेलल टू एन टू दैट इज़ वाई एन वन इन टू एन टू उन्होंने क्या लिखा हुआ है सीरो बराबर चलिए ये हो गया पूरा वेक्टर फॉर्म अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या समझना है कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का पहले तो फॉर्म ये ऐसा होता है दो प्लेन ऐसे होंगे ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जैड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जैड प्लस डी टू इज इक्वल टू ज़ीरो द डरेक्शन रेशियोज ऑफ़ द नॉर्मल्स नॉर्मल टू द प्लेन्स डोज ऑफ़ द नॉर्मल टू द प्लेन्स आर अच्छा प्लेन के डिरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के डरेक्शन रेशियो ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू होते हैं तो कॉस थीटा क्या मिलेगा हमें ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस ई वन सी टू अपन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस ई वन स्क्र अंडर रूट ए टू स्क्र प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्र अगर प्लेन इफ द प्लेन इज आ रईट एंगल देन द थीटा इज इक्वल टू नाइनटी तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि ए वन ए टू एट ये जो था ऊपर का पोर्शन वही इज इक्वल टू जीरो हो गया क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा अगर पैरेलल है तो जैसे साइन थीटा में बताया था सेम जो कंडीशन है ना ये लाइन वाली कंडीशन है पूरी ए वन अपन ए टू बी वन अपन बी टू सी वन अपन सी टू आप देख लेना एंगल बिटवीन लाइन वाला कंसेप्ट पूरा देख लेना सेम कंडीशन यहाँ पे है ठीक है बिकॉज हमने जो एंगल डिफाइन किया ना वो दो तो लाइन ही है भले ही हमने बोला है कि एन वन वैक्टर एंड एन टू वैक्टर जो दोनों लाइन है भले हम बोल रहे हैं कि उसको वो एंगल बिटवीन प्लेन्स है बट प्लेन के एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं उनके नॉर्मल के जो एंगल होते हैं उससे अगर दूसरा प्लेन कोई ऐसी कंडीशन में है तो इसका भी एक नॉर्मल बनेगा और इनके बीच में तो है तो ये लाइन के बीच में ही एंगल सी यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये जो दिया है यूजिंग वेक्टर मेथड वेक्टर मेथड से आपको फाइंड करना तो पहले तो ये समझ लो ए वन की वैल्यू टू है अच्छा वेक्टर मेथड से करना है तो ये जो आपको दिया गया है uh, क्या बोलेंगे टू एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू फाइव इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आर कैप इन एन कैप होना चाहिए आर कैप डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू डी वन ऐसे ही करेंगे हम तो इधर से आपको पत, बता दूँ कि एन वन वैक्टर जो है वो ऐसा मिलेगा टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप एंड सिमिलरली थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस टू जैड इज़ इक्वल टू सेवन तो ये आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू डी टू ऐसे नहीं तो एन टू वैक्टर जो है यहाँ से बन जाएगा थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप कॉस्टिटा की फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखी एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर अपॉन एन वन एन टू बराबर स्मॉल <coughs> भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप थ्री आई कैप सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ये यह मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फोर प्लस वन प्लस फोर नाइन प्लस थर्टी सिक्स प्लस फोर तो ये यहाँ पे लिखे तो टू थ्री ज़ा सिक्स माइनस सिक्स प्लस फोर अपॉन में अंडर रूट में ये फोर फोर नाइन और ये थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी फोर्टी नाइन मतलब कि ये हो जाएगा फोर अपॉन मोड में फ़ोर अपॉन ट्वेंटी वन सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या मिली कॉस् थीटा इज इक्वल टू सेवन फोर बाई ट्वेंटी वन हैंस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर बाई ट्वेंटी वन ठीक है यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो बिकॉज ये uh, बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, तो ये यूजिंग वैक्टर मैथड हमने ये फाइंड किया है बराबर सेम ऐसा एक एग्जांपल दिया है जिसमें विदाउट वेक्टर मेथड मतलब ये जो चीज़ें दी गई है आपको यहाँ पे उसको आप ए वन बी टू भी ऊपर वाली मेथड से कर सकते हो ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू एंड सी टू ये सब फाइन करके बराबर चलिए आगे बढ़ते हैं नया टॉपिक फार्मूला याद रखना जो नोट्स मैंने यहाँ पे कट करके डाले हुए हैं अच्छे से बनानी है एनालाइज करनी है बिकॉज बहुत सारे फार्मूलाज बहुत सारी नोट्स हैं कन्फ्यूज़न होगा तो प्रिपेयर वेल well है ना हेलो स्टूडेंट्स तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन एक पॉइंट दिया गया होगा जिसका हमें दूसरे प्लेन से डिस्टेंस फाइन करना होगा राइट तो यहाँ पे डायग्राम बनाया है उन्होंने बट थोड़ा कंफ्यूजिंग दिख रहा है डायग्राम तो आप कंफ्यूज ना हो ये मैं आपको बता दूँ आपको कितनी चीज़ें चाहिए चीज़े? एक पॉइंट चाहिए जिससे डिस्टेंस फाइंड करना हो जिसका पोजिशन वैक्टर होगा उसको हम ए बोलेंगे और दूसरा आपको एक प्लेन चाहिए जो कि ऐसे फॉर्म में हो मतलब कि आर डॉट एन कैप इंटू इज इक्वल टू डी ठीक है एन कैप जो है वो नॉर्मल होगा वो आपको पता है नॉर्मल का यूनिट वेक्टर होगा तो वो जो डिस्टेंस है वो दैट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला अगर आपको समझ लो कि आपके पास इक्वेशन uh, ऐसा कुछ है कि आर डॉट एन आर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू डी वेर एन इज़ द नॉर्मल टू द प्लेन दैन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ऐसे मिलेगा क्या है ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर माइनस डी अपॉन में एन वैक्टर का मोड अब अगर मान लो कि ओरिजिन से आपको प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है तो डेफिनेटली आपको पता है कि ओरिजिन मतलब कि ए वैक्टर जो है वो जीरो वैक्टर हो जाएगा ए वैक्टर जीरो वैक्टर ज़ीरो के साथ किसी का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो वो डिस्टेंस जो है वो आपके पास डी अपॉन में मोड एन हो जाएगा बिकॉज ये आगे का जो हिस्सा है ए डॉट एन वैक्टर वो ज़ीरो हो जाएगा बराबर तो ये दो ही फॉर्मूला है ए डॉट एन वैक्टर वैक्टर ए डॉट वैक्टर एन माइनस डी अपॉन मोड ऑफ वैक्टर एन एंड दूसरा ये है डी अपॉन ये जब ओरिजिन की बात हो अब इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है कि आपको पूरा फॉर्म मतलब प्लेन जो है उसका पूरा फॉर्म कार्टेशियन में दिया होगा ऐसे और पॉइंट भी दिया होगा ऐसे तो सिंपली जैसे हमारे पास लाइन का इक्वेशन था ए वन एक्स प्लस बी वन वाई सॉरी एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ये करके जो भी हम मतलब अंडर रोट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा था ना ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन और पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही सेम फॉर्म यहाँ पे है कि प्लेन ऐसे फॉर्म में है अगर तो पहले तो ये ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जैड वन माइनस डी मतलब आपको सिर्फ एक्स वाई जेड की जगह पे पॉइंट की वैल्यू रखनी है डी को इज इक्वल टू की साइड ले लेना अंडर रूट में कर देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर ठीक है square, <coughs> तो ये दो फार्मूला है जो आपको याद रखने हैं uh, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके अकॉर्डिंग यू विल गेट द आइडिया कि हमें करना क्या है एक्चुअल में ओके फाइन चलिए ये एग्जांपल मेरे पास है ऐसा कुछ कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू कॉमा फाइव कॉमा माइनस थ्री फ्रॉम अ प्लेन आर करके दिया है तो कंसीडर ये पॉइंट है तो इसका पोजिशन वेक्टर ये क्या हो जाएगा टू आई कैप फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप एंड ये आर डॉट जो भी दिया है दैट इज़ योर वैक्टर एन बराबर तो ये वेक्टर एन जो है वो क्या हो जाएगा सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप एंड यू हैव डी इज इक्वल टू फोर बिकॉज इज इक्वल टू के सामने डी है ये आर डॉट एन इज इक्वल टू डी वाला बराबर है चलिए तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस उसकी फार्मूला ये कुछ ऐसी है ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर माइनस डी अपॉन में एन वैक्टर का मोड अच्छा एन वेक्टर का मोड में यहाँ पे भी अलग से फ़ाइन कर लेता हूँ थर्टी सिक्स प्लस नाइन प्लस फोर दैट मीन्स फोटी नाइन मतलब कि सेवेन अच्छा ए डॉट एन भी अलग से फ़ाइन कर लेते हैं ए वेक्टर डॉट एन वैक्टर यू हैव as टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप एंड एन एज सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप हो जाएगा टू सिक्स ट्वेल्व प्लस फाइव थ्री मतलब माइनस फिफ्टीन एंड माइनस ये माइनस सिक्स तो ट्वेल्व माइनस सिक्स मतलब माइनस नाइन <coughs> तो चलो यहाँ पे वैल्यू डालो माइनस नाइन माइनस फोर अपॉन में सेवन विच मींस ये थर्टीन बाई सेवन हो जाएगा जो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगा हुआ है वो है ठीक है ओके नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन देखो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड टॉपिक है इसको ध्यान से समझना जैसे एंगल बिटवीन हमने प्लेन समझा था वैसा ही है बट इट इज़ अ लिटल बिट ट्विस्टेड राइट समझो क्या बोला कि ये प्लेन है मैंने फिगर यहाँ पर कट करके रखी हुई है तो ये प्लेन है और ये हमारी लाइन है हमें प्लेन और लाइन के बीच में एंगल चाहिए राइट बट वी नो दैट कि प्लेन के लिए रेफरेंस में हम उसका नॉर्मल को लेते हैं तो प्लेन का नॉर्मल जो है ना वो ये हो जाएगा नॉर्मल है उसका तो हमें अभी तो दो लाइन ही दिख रही है प्लेन नहीं दिख रहा है एक तो ये प्लेन का नॉर्मल है और एक ये लाइन कोई भी है मान लो कि एल वन जो भी है इनके बीच का हम एंगल फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला आपके पास एक फार्मूला था अगर आपको पता हो देखो तो ये <coughs> पहले तो लाइन की डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं आपको बता दूं कि लाइन ऐसे फॉर्म में होती है आर वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैमरा टाइम्स बी वैक्टर ये बी जो है वो डिनोट करती है लाइन की डिरेक्शन तो मतलब कि ये लाइन जो है इसकी डिरेक्शन बी हो जाएगी और दूसरा प्लेन जो है वो ऐसे फॉर्म में होता है आर वैक्टर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू डी तो ये एन जो है वो प्लेन <coughs> का नॉर्मल डिनोट करता है तो ये है अगर दो लाइन ऐसे फॉर्म में है देन यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दैम कॉस्थिटा इज इक्वल टू बी वैक्टर डॉट एन वैक्टर अपॉन में मोड बी वैक्टर एंड मोड ऑफ एन वैक्टर बढ़िया चलिए बट ये एंगल जो है ना वो लाइन और प्लेन के बीच में नहीं है आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये एंगल लाइन और प्लेन के बीच में नहीं है तो हमें तो फाइंड करना ये एंगल जो कि लाइन और प्लेन के बीच में है तो इन्होंने डेफिनेशन लगाई है यहाँ पे कि द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन इज़ अ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन मतलब कि इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के बराबर होगा मतलब अगर आपने फाइंड कर लिया है थीटा देन कंसीडर दिस एज फाइव इसको हम फाइव बोलते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट नाइन्टी माइनस फाइव तो हमारा जो एंगल है वो नाइन्टी माइनस थीटा के इक्वल होता है कौन फाइव तो आप फाइंड कर लो ये आपने जो फाइंड किया है वो थीटा है और आपको जो फाइंड करना है वो नाइन्टी माइनस थीटा फाइंड करना था तो अगर हमें कॉस नाइन्टी माइनस थीटा फाइंड कर रहा हूँ कॉस नाइन्टी माइनस थीटा तो उसको तो हम साइन थीटा बोल देंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा पूरा बी वैक्टर डॉट एन वैक्टर अपॉन में बी टू एन का मोड बराबर <coughs> और ये जो होगा मतलब अच्छा एक मिनट थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया आपको फाइंड जो करना है ना वो एंगल आपका फाई है ये वाला एंगल फाइ तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये एंगल जो है आप 90 माइनस थीटा जो एंगल था उसको आपने क्या बोला था कि आ, ये आपका फाइन है फाइ है तो अगर कॉस 90 माइनस थीटा हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा तो अब उसको हम बोल सकते हैं साइन फाई बराबर या तो साइन 90 माइनस थीटा बोलो या फिर साइन फाइव बोल दो तो भी कोई दिक्कत है नहीं तो ये एंगल पूरा बन जाएगा साइन फाइव इज इक्वल टू बी वैक्टर डॉट एन वैक्टर अपॉन में ऐसा इन शॉर्ट मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि ये कॉस टू जो फॉर्मूला थी ना वो अब साइन टू हो जाएगी बिकॉज जो प्रॉब्लम हो रही थी वो मैंने आपको बताई क्या हो रही थी वो एंगल जो था वो लाइन और नॉर्मल के बीच में था तो आपको तो एंगल रखना था लाइन और प्लेन के बीच में बराबर तो जब भी पूछा जाए तो फॉर्मूला ये लिखनी है राइट एक एग्जांपल एक इसके लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं मतलब समझ लेते हैं सी तो आपको यहाँ पे एग्जांपल ट्वेंटी फाइव दिया हो कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई सिक्स एंड uh, प्लेन भी दिया गया हुआ है आपको बराबर तो आप यहाँ से पहले तो लाइन के ऊपर से मुझे बी निकाल दे निकाल के दे सकते हो वो बी हो जाएगा आपको पता है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप बिकॉज़ ये जो है ना वो ए बी सी है और ये जो है वो डायरेक्शन रेशियोज़ है ऑफ़ द वेक्टर बी और यहाँ से आप नॉर्मल एन भी दे सकते हो वो ये सब के चलते हुए टेन आई कैप टू जे कैप माइनस इलेवन के कैप तो एंगल की फॉर्मूला आपके पास है साइन फाइ मोड़ में बी डॉट एन अपॉन बी मोड एन मोड तो बी डॉट एन टेन आई कैप टू जे कैप माइनस इलेवन के कैप टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप अपॉन अंडर उड के अंदर अंडर उड में ये हंड्रेड प्लस फोर प्लस वन ट्वेंटी वन और दूसरे अंडर उड में ये हो जाएगा एन का कितना हो जाएगा एन वेक्टर का सॉरी एन का ही किया हमने दूसरा बी जो है उसका हो जाएगा फोर प्लस नाइन प्लस थर्टी सिक्स ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ट्वेंटी प्लस सिक्स माइनस सिक्सटी सिक्स नीचे ये हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी फाइव फोर्टी नाइन इज इक्वल टू ये साइन फाइव है तो साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर्टी अपॉन फाइव ट्वेंटी फाइव सॉरी ना ट्वेंटी फाइव भी नहीं होगा ना इसका वन ट्वेंटी फाइव का फॉर्म हमने निकाल सकते स्क्वायर रूट अच्छा एक मिनट देखना पड़ेगा अच्छे से ये टू ट्वेंटी फाइव होगा ना वन ट्वेंटी वन है ये तो फिफ्टीन मल्टीप्लाई सेवन अच्छा फाइव इज इक्वल टू फोर्टी अपॉन इसको कट कर सकते हैं थ्री सा एट सा तो एट अपॉन ट्वेंटी वन साइन इनवर्स राइट चलो तो यहाँ तक रखते हैं आपको होमवर्क में नोट्स सारी लिखनी है इसकी और एग्जांपल्स जो भी मैंने करवाए हैं वो ख़त्म कर दो साथ में ही नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब भी यहाँ तक रखते हैं थैंक यू तो गाइज थैंक यू